Everyone, today we start chapter 2 of class 8. Chapter name is linear equations in one variable. Today we start exercise 2.1. First question is solve the following equation and check your result. First question, 3x is equal to 2x plus 18. How to solve it? Now first of all, जब भी ये equation linear equation वाले sum होते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो variable वाले number होते हैं, जो x, y, z वाले number होते हैं, उनको हम एक side पर कर देते हैं, और जो अपने constant number होते हैं, मतलब number वाले होते हैं, उनको एक side पर करना होता है. अब पहले क्या करना है, देखिए ये अपनी दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है. हमें एक साइड पर जो भी हमें वेरिएबल नंबर होते हैं, एक्स वाई जेड वाले नंबर होते हैं, उनको एक साइड पर ले जाना है, और जो नंबर वाले एक साइड पर ले जाना है, और उनको इधर इधर लेके आना है चाहे दूसरी साइड पर लेके आना है, तो हमें उनका साइन चेंज करना पड़ेगा. तो कैसे, नाउ स्टार्ट. जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, इधर 3x के साथ कोई और नंबर नहीं है, और इधर 2x प्लस 18, ये दोनों प्लस नहीं हो सकते हैं, तो x वाले में x प्लस वाला प्लस माइनस हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, 3x. तो जो ये इधर वाली साइड पर नंबर है, जब भी हम उधर उसको लेके जाएंगे, हमेशा पीछे लिखेंगे. कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, वो नंबर को आगे लेके जो वहाँ पे नंबर होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो इससे उनका सम क्या होता है, गलत होता है. तो हमें क्या करना है, जब भी मतलब कभी इधर लेके जाना नंबर जा दूसरी साइड पर लेके जाना है, तो हमेशा उस नंबर को पीछे लिखेंगे और उसका साइन जरूर चेंज करना है. तो अब ये देखो, जो भी साइन होता है हमें इस साइन को नहीं देखना है, इनके आगे वाले साइन को देखना है. जैसे कि ये 2x के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का होगा, और ये प्लस 18 का है, तो हमें इसके आगे के साइन को देखना है, इसके पीछे वाले साइन को नहीं देखना है. तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 18. अब 3x में से 2x के 1x होता है, तो x मतलब जो भी अपने वेरिएबल नंबर होते हैं उनके आगे 1 लगाना कंपलसरी नहीं होता है, तो x इज इक्वल टू 18 अपना आंसर आ गया है. अब हमें क्वेश्चन में उसको क्या कहा है, चेक करने को बोला है, तो हम चेक कैसे करेंगे. चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इधर हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में जो इधर नंबर है वो लेफ्ट साइड का होता है, और इधर वाला राइट हैंड साइड पर होता है, तो हम लिखेंगे इधर 3x और इधर लिखेंगे 2x प्लस 18. अब हमें क्या करना है कि जो भी अपनी x की वैल्यू आई है उसमें पुट करनी है. 3x का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई x, तो हम क्या करेंगे, x के बिहाफ पर हमने क्या पुट करना है, 18. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 54. सेम हियर 2x का मीन्स क्या है, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 18 करेंगे, प्लस 18 करेंगे. अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे, नहीं, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप पहले ही ब्रैकेट डाल दो, ताकि आपकी गलती ही ना हो कि हमें प्लस करना है कि मल्टीप्लाई, कन्फ्यूजन ही क्रिएट नहीं होगी. तो जो भी हम जिस पे वैल्यू पुट कर दो उसको ब्रैकेट में डाल दो. अब क्लियर है कि इसको अब मल्टीप्लाई करना है. वैसे भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लाई ही करते हैं. अब इनको प्लस करेंगे कितना आ गया, 54. तो अगर अपना आंसर इक्वल आया है तभी अपना आंसर जो होगा सही होगा, इट मीन्स अपनी एक्स की वैल्यू सही है, दोनों का सेम साइड पर इक्वल आ गया है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब हमने इधर भी ऐसा करना है, जो t और t सेम है, तो t को हम इधर ले आएंगे और जो दूसरा नंबर है हम उसको इधर ले जाएंगे. अब कंडीशन क्या थी, इनके साइन चेंज करके लेके जाना है, और सेकंड कंडीशन क्या थी, जो नंबर जहाँ पर है वो आगे ही रहेगा. अब हम 3t को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका साइन क्या है, प्लस का है, पीछे नहीं देखना है, माइनस इसका नहीं, माइनस 5 का है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 3t लगा देंगे इक्वल टू. अब ये इसको आगे लेना है, जैसे कि हमारे घर में कोई आता है तो हम आगे होते हैं, अपना गेस्ट पीछे जाता है, तो ये समझ लो कि हम आगे हैं और हमारा गेस्ट पीछे है, तो इसको पीछे लेके जाना है और इसका साइन चेंज करना है. तो 5 में से 3 गए 2t इज इक्वल टू.
अब प्लस माइनस माइनस करना है, तो आपको इसका साइन चेंज नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनके टीचर्स समझाते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो बच्चे क्या करते हैं क्या करेंगे, 5 - 3 = 2 कर देंगे, या तो 3 - 5 = ऐसा कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, प्लस माइनस तो मैं आप एक लाइन मैंने नहीं ऐड करी है, क्या करी है कि प्लस माइनस माइनस होता है जा करना है, तो फटाफट इसको कर दो, इसका साइन चेंज नहीं करना है। तो प्लस माइनस माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया, और साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब जो चीज़ एक्स वाई जेड के साथ होती है वो कहाँ जाएगी, नीचे। ये मेरा बोलने का वे है इजी, कि जो चीज़ मतलब जो भी नंबर है एक्स वाई जेड के से होता होगा वो दूसरे साइड पर नीचे जाएगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि 2t क्या होता है, मतलब 2 × t होगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो बड़ी क्लास में हम डिवाइड का साइन ना लगा के हम ये लाइन फ्रैक्शन वाली खींच के और उस नंबर को नीचे ले जाते हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, t = -1 आ गया है। अब हमने क्या करना है, चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या है, और इधर हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे अब अपने पास है 5t - 3, और राइट हैंड साइड पर यह है 3t - 5। अब वैल्यू क्या आई टी की, -1, तो 5 × -1 इसको ब्रैकेट में डाल लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और -3 जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर एक माइनस है तो लगेगा, इसमें हमने ये नहीं देखना होता कि बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, वो नहीं देखना है। मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस है तो माइनस लगेगा ही, 5 × 5। अब माइनस माइनस प्लस करना है तो कर दो, साइन चेंज नहीं करने, 5 + 3 नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, 5 + 3 नहीं लिखेंगे। तो बस माइनस माइनस प्लस करना है तो करना है, तो कर दिया, और साइन आएगा बड़े नंबर वाला। सेम हियर 3 × -1 इसको ब्रैकेट में डाल लो, -3 - 5, माइनस माइनस प्लस करना है, कर दिया, कुछ भी साइन चेंज नहीं करना है, वो साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब हम क्या देखें, दोनों साइड पर दोनों इक्वल आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो भी एक्स वाले एक साइड पर ले आएंगे, हम 5x 3 को इधर ले आएंगे। अब 3 का साइन क्या है, प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। हम आगे मतलब ये जो नंबर जहाँ पर है वो आगे रहेगा, गेस्ट को पीछे कर दो, मतलब जो भी नंबर आएगा उसको पीछे कर दो। तो अब इसके आगे साइन कौन सा, प्लस का है, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस का। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 2x। ये मैंने फनी सी लाइन बोली है, तो इससे आपको याद रहेगा कि इस नंबर को आगे लेना और इस नंबर को पीछे लेना साइन चेंज करके। तो ऐसा होता नहीं, मैं इसमें जस्ट फनी लाइन मैंने ऐड करी है। तो अब देखो, ये जो माइनस है इसका है 9 का, तो इसका क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस माइनस करना है तो कर दो, कोई साइन चेंज नहीं करना, और साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब जो चीज़ जो भी नंबर एक्स वाई जेड के साथ होता है वो दूसरी साइड पर कहाँ जाएगा, नीचे, मतलब डिवाइड हो जाएगा। 2 के डबल जी कितने पर गया, 2। एक्स इज इक्वल टू -2। अब हमने क्या करना है, चेक करना है, लेफ्ट साइड पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर अपना क्या है, 5x + 9 है, और राइट हैंड साइड पर अपना क्या है, 5 + 3x। तो 5 × -2 ब्रैकेट में डाल लेते हैं, -10 + 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस करना है, और साइन आएगा बड़े नंबर वाला। तो आपकी मिस्टेक ही नहीं होगी। अब सेम हियर, एक्स कितना है, -2, ब्रैकेट में डाल लो, कितना आ गया, 3 × 2 = 6। अब जब भी ब्रैकेट के अंदर एक बाहर साइन होता है तब साइन चेंज करना होता है। तो अब हम इनका साइन चेंज करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस करना है, साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या इक्वल है, तो अपना आंसर सही है। थैंक यू।